आज के इस सफ़र में हम आपको एक ऐसे कंट्री में लेके जा रहे हैं जो बेहद ही खूबसूरत होने के साथ साथ अमीर देश है। यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा शाही महल है। इस देश में अपनी वाइफ यानी कि पत्नी की फोटो अपने ही घरों में लगाई जाती है। हम बात कर रहे हैं ऐसे अमीर देश ब्रुनाई की। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो आपको पसंद आ जाए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। एशिया महाद्वीप का एक बहुत ही अमीर देश है। यह ब्रूनो इसलैंड में स्थित है जो बेहद ही खूबसूरत है। इंडोनेशिया इसका पड़ोसी देश है। इस छोटे से देश में आज भी राजतंत्र चलता है और हसन अल बुल्किया इस देश का सुल्तान है। खास बात यह है कि ब्रुनाई देश में सभी लोगों को अपने घर में अपनी पत्नी की तस्वीर लगाना एक रिवाज है। इस देश में गैर मुस्लिम को शराब पीने पर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन आप सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन नहीं कर सकते। यह देश कितना अमीर है इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस देश में जितने घर हैं उससे कई ज्यादा कारें हैं। ब्रुनाई का नेरुल प्लेस जो कि दुनिया का सबसे बड़ा शाही महल भी है, इस महल को एक पहाड़ी पर बनाया गया है। इस महल में 2500 से ज्यादा कमरे हैं। ब्रुनाई में करीब 65% आबादी मुस्लिम है, तो ये कह सकते हैं कि ये एक मुस्लिम देश है। 13% बौद्ध धर्म और 10% ईसाई व अन्य धर्मों के लोग रहते हैं। वैसे इस देश की सभी बौद्ध आबादी चीन की है। एक मजे की बात ये है, यहाँ पर क्रिसमस के उत्सव में मुसलमानों के जाने पर प्रतिबंध है, यानी कि किसी भी तरीके से मुसलमानों का क्रिसमस में ना होना है। अगर उनकी मौजूदगी मिली तो उनको 5 साल तक की सजा हो सकती है। ब्रुनाई में कोई भी विपक्ष नहीं है और किसी को विपक्ष में खड़े होने की अनुमति भी नहीं है। हसन अल बुल्किया का परिवार यहाँ पर पिछले 600 साल से शासन कर रहा है। बात करें ब्रुनाई के कुल क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल में 5760 वर्ग किलोमीटर है। वहीं इसकी जनसंख्या करीब 4.5 लाख है। इस देश में किसी भी न्यूज चैनल को देश के सुल्तान के खिलाफ न्यूज लिखने का अधिकार नहीं है। ब्रुनाई में आज भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं है। ब्रुनाई टाउन इस देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर भी है। ब्रुनाई के लोगों को वहाँ की सरकार मुफ्त शिक्षण और चिकित्सा देती है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ब्रुनाई की आधिकारिक भाषा मलय है और अंग्रेजी और चीनी भाषा भी यहाँ अधिक मात्रा में बोली जाती है। बुकिट पॉगन इस देश का सबसे बड़ा पर्वत है जिसकी ऊंचाई करीब 1850 मीटर है। ब्रुनाई में साक्षरता दर करीब 93% है। बात करें ब्रुनाई की आय की, तो इसका मुख्य स्रोत यहाँ के तेल भंडार के द्वारा है। वैसे तो ब्रुनाई दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक छोटा सा लेकिन समृद्ध देश है जो अपनी समृद्धि और धन के लिए जाना जाता है। उच्च जीवन स्तर और अच्छी तरह से विकसित अर्थव्यवस्था के साथ ब्रुनाई घूमने और रहने के लिए कुछ सबसे शानदार और महंगी जगह प्रदान करता है। तो आइए फिर आपको कुछ ऐसे मजेदार टूरिस्ट प्लेस में घुमाते हैं जो आपने शायद ही कहीं देखे होंगे। एम्पायर होटल और कंट्री क्लब। दक्षिण चीन सागर में प्राचीन तटों पर स्थित एम्पायर होटल और कंट्री क्लब विलासिता और भव्यता का प्रतीक है। यह राजसी रिसोर्ट विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करता है, जिसमें एक निजी समुद्र तट, गोल्फ कोर्स, सपा सुविधाएं और शानदार भोजन के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर आपको शानदार विलों की दृश्य देखने को मिलेंगे। रॉयल रेगलिया संग्रहालय। रॉयल रेगलिया संग्रहालय ब्रुनाई की राजशाही के समृद्ध इतिहास और संस्कृति को प्रदर्शित करता है। जैसे ही आप इस असाधारण संग्रहालय में कदम रखेंगे, आपका स्वागत शाही रत्न, मुकुट रत्नों और औपचारिक पोशाक सहित खजाने के भव्य प्रदर्शन से होगा। इसकी भव्यता और अमूल्य कलाकृतियां इसे ब्रुनाई की शाही विरासत में रुचि रखने वालों के लिए अवश्य घूमने लायक जगह बनाती है। इस्ताना नुरुल ईमान। दुनिया के सबसे बड़े आवासीय महल के रूप में इस्ताना नुरुल ईमान देखने लायक है।
ब्रुनेई के सुल्तान के आधिकारिक निवास के रूप में कार्यरत ये भव्य महल 2 मिलियन वर्ग फुट से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। आश्चर्यजनक वास्तुकला, भव्य आंतरिक सज्जा और विशाल मैदान इसे ब्रुनेई की सबसे महंगी जगहों में से एक बनाते हैं। हालांकि बाहरी आदमियों को यहां पे ज्यादा एंट्री नहीं है, फिर भी महल को बाहर से देखना एक उल्लेखनीय अनुभव समान है। जेरुडोंग पार्क खेल का मैदान। अगर आपका बजट काफी अच्छा खासा है और आप इंजॉय करना चाहते हैं तो जेरुडोंग पार्क खेल का मैदान एक अनूठा अनुभव प्रदान करता है। इस मनोरंजन पार्क में रोमांचकारी सवारी, सुंदर दृश्य वाले बगीचे और कृत्रिम लैंगूर है। पार्क का शानदार माहौल और शीर्ष स्तर की सुविधाएं इस स्थानीय लोगों और मनोरंजन और उत्साह भरे एक भव्य दिन की तलाश करने वाले पर्यटकों दोनों के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। नाइट लाइफ के शौकीन रखने वाले लोगों के लिए गांडोग एक बेस्ट प्लेस है। गांडोग नाइट मार्केट में अपने स्वादिष्ट व्यंजनों की कई सारी वैरायटियां मिलेंगी। जो लोग खाने पीने में बहुत शौकीन है उनके लिए ये एक बेस्ट प्लेस है। और हाँ, आप यहाँ की नाइट लाइफ भी एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ आप बेहतरीन स्थानीय व्यंजनों और अंतरराष्ट्रीय व्यंजनों का स्वाद दोनों ले सकते हैं। जीवांत वातावरण और समृद्ध स्वाद इसे भोजन के उन शौकीनों के लिए एक पसंदीदा स्थान बनाते हैं जो असाधारण भोजन अनुभव की तलाश में रहते हैं। नंबर 6 लिस्ट में आता है मॉल गांडोग। यह एक महंगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अंतरराष्ट्रीय लग्जरीज ब्रांडों, उच्च स्तरीय फैशन बुटीक और विभिन्न प्रकार के भोजन विकल्पों के लिए सबसे प्रभावशाली स्थान है। चाहे आप डिजाइनर कपड़े, विशेष एक्सेसरीज या हाई प्राइस के आभूषणों की तलाश में हो, द मॉल गांडोग ब्रुनेई में एक अनोखा खरीदारी अनुभव प्रदान कर सकता है। अगर आप कुछ खरीदारी अच्छे आइटम यानी कि लग्जरीज आइटम में करना चाहते हैं तो मॉल डंगोन एक बेस्ट चॉइस है आपके खरीदारी के हिसाब से। उल्लू तेम्बुरोंग राष्ट्रीय उद्यान। यह स्थान एक विशेष रोमांच प्रदान करता है। यह प्राचीन वर्षा वन जहाँ केवल नाव द्वारा पहुंचा जा सकता है, चांदवा की सैर, नदी में घूमना और वन्य जीव स्पॉटिंग जैसे कई गतिविधियों की पेशकश करता है। यहाँ लग्जरीज टूर पैकेज भी उपलब्ध है जो टूरिस्टों को प्रीमियम आराम और सेवाओं का आनंद देते हुए ब्रुनेई के प्राकृतिक आश्चर्यों की अछूती सुंदरता में डुबाने की अनुभूति रखता है। ब्रुनेई संग्रहालय। ब्रुनेई संग्रहालय सांस्कृतिक कलाकृतियों और ऐतिहासिक प्रदर्शनियों का खजाना है। इसमें आप ब्रुनेई के अतीत की झलक देख सकते हैं जो प्राचीन कला के टुकड़ों, पुरातत्व खोजों और पारंपरिक शिल्पों का एक विशाल संग्रह प्रदर्शित करता है। संग्रहालय का सुंदर डिजाइन और मनमोहक प्रदर्शन इसे ब्रुनेई के समृद्ध विरासत में डुबाने की इच्छुक इतिहास के प्रति उत्साहित लोगों के लिए एक आवश्यक स्थान बनाता है। बैंडार सेरी केनांगन ब्रुनेई का छिपा हुआ रत्न है। अपनी खस्ता सफेद रेत, क्रिस्टल साफ पानी और शांत वातावरण के साथ ये विशिष्ट समुद्र तट उन लोगों के लिए एक एकांत स्वर्ग प्रदान करता है जो एक शानदार विश्राम की तलाश में है। समुद्र तट की अछूती सुंदरता और आश्चर्यजनक सूर्यास्त इसे एक भव्य समुद्र तट बनाता है। टूरिस्ट प्लेस में एक देखने लायक जगह है ब्रुनेई का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जी हाँ, ब्रुनेई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एक असाधारण आगमन या प्रस्थान के लिए एक माहौल तैयार करता है। अपनी आधुनिक वास्तुकला, भव्य लॉन्च और वीआईपी सेवाओं के साथ यह हवाई अड्डा ब्रुनेई में कदम रखते ही एक शानदार यात्रा अनुभव सुनिश्चित करता है। हवाई अड्डे की विशिष्ट सुविधाएं और सेवाएं संपूर्ण यात्रियों की जरूरतों को पूरी करता है जिससे ये क्षेत्र के सबसे असाधारण हवाई अड्डों में से एक बन जाता है। तो ये थी कुछ ऐसी मजेदार टूरिस्ट प्लेस जो कि ब्रुनेई में बहुत ही लग्जरीज और बहुत ही शानदार है। आप इन टूरिस्ट प्लेसों में से कौन सी प्लेस पे ज्यादा घूमना पसंद करेंगे हमें कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये भी जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और कंट्री के साथ में, किसी और टूरिस्ट प्लेस के साथ में। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर। माय नेम इज खुशबू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।